नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35A हटाने की तैयारी हो चुकी है और क्या 15 अगस्त से पहले सरकार ये फैसला ले सकती है? हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि कश्मीर की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने लोकसभा के लिए नोटिस दिया है। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने इस पर चर्चा के लिए लोकसभा में नोटिस दिया है, साथ ही प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने यह जम्मू कश्मीर के लिए मुश्किल वक्त से बताया है। इधर फारूक अब्दुल्ला से अपील की है कि वो राज्य की सभी पार्टियों की बैठक बुलाए, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि इससे पहले कि सभी पार्टियों की मुलाकात हो, इससे बेहतर है कि केंद्र से ये समझा जाए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ये समझा जाए कि आखिर क्या है उनकी सोच, क्या है उनकी नीति कश्मीर को लेकर। महबूबा की अपील पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है सभी नेताओं को बुलाने से पहले केंद्र का रुख जान लेना है। वैसे आज तक की जानकारी के मुताबिक सरकार 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35A को हटाने का फैसला या फिर कोई कदम इस तरफ उठा सकती है। विरोधाभास देखिए, एक बार सेना की तैनाती बढ़ा देने के बाद दोनों ही आग उगलने लगते हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला। अब उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री वक्त पर हम बात करना चाहते हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा होगा, जम्मू कश्मीर में एक नई फिजा का एहसास होगा। खबरों पर यकीन करें तो 15 अगस्त से पहले मोदी सरकार कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। आर्टिकल 35A को हटाने का ऐलान किया जा सकता है, शायद इसलिए जम्मू कश्मीर की सियासत में उबाल है और सूबे में फौरन चुनाव की मांग हो रही है। ना 35A हटना चाहिए ना 370 हटना चाहिए, वो हमारी बुनियाद है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, मगर वो जरूरी है हमारे लिए। जब बाकी जगहों पे चुनाव होता था, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? अगर आप समझते हैं हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, तो हर एक को हक है अपना, वो 2% हो, 4% हो, 5% हो, हक है देने का। शुक्र कीजिए कि हम लोग खड़े हैं, गोलियां खा रहे हैं, मगर सभी खड़े हैं देश के लिए। ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, ये 35A को लेकर के नहीं हो रहा। अरे आओ भाई, ये प्रत्यक्ष तौर पर कुछ कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर कोई और चिंता है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर बैंक की जिस तरह से लूट घुसूट हुई है पिछले 30-40 वर्षों में, उसकी जांच की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, तो उन्हें मनी मानी ये खौफ सता रहा है कि नामालूम हमारा क्या हशर होगा। सूत्रों के मुताबिक बड़े ऐलान के बाद के हालात से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। 35A हटाए जाने के बाद आतंकवादी हमले की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा संवेदनशील जगहों की गई है। शायद तभी पूर्व CM महबूबा मुफ्ती सभी पार्टियों को एक साथ आने की अपील कर रही है। हाल के घटनाक्रम से जम्मू कश्मीर के लोगों में खौफ का माहौल है। मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब से गुजारिश की है कि वह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, ये वक्त साथ आने का है। 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती का फैसला 35A हटाए जाने के बाद के हालातों से निपटने के लिए ही बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाल में NSA अजीत डोभाल की उच्च स्तरीय बैठक भी उसी प्लान का हिस्सा थी। महबूबा मुफ्ती की आग लगाने वाली प्रतिक्रिया भी सरकार की तैयारियों की तस्दीक कर रही है। स्विट्जरलैंड बन सकता है दूसरा कश्मीर, प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन डरा करके राजनीति करने की जो ये महबूबा शहीद तमाम लोगों किया, ये मोदी सरकार किसी से डरने वाली नहीं है। कश्मीर की जनता की हिफाजत, उनकी तरक्की, यही मेरा लक्ष्य है। आर्टिकल 35A हटाए जाने की आहट से कश्मीर के सियासतदानों की नींद उड़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपना संकल्प दोहरा चुके हैं।